ज़रूर हम लोग कल एक बहुत बड़ा मीडिया इवेंट करने वाले हैं और हम हिंदुस्तान के हर शहर में जाके अब स्त्रियों को एक्शन सिखाएंगे और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाएंगे। आप प्लीज़ लॉग ऑन रखिए और देखिए कि हम क्या क्या सिखाते हैं। बट मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात है कि हर लड़की को अपने अंदर विश्वास करने की ज़रूरत है कि वो पुरुषों से किसी तरह से कम नहीं है, और अगर वो सोच लें तो वो हर चीज़ कर सकती हैं जो मर्द करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनको अपने अंदर बिलीफ रखना चाहिए। जैसे इन्होंने मुझसे पूछा कि लड़कियों की सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करना चाहिए, और मैं बोलता हूँ कि सबसे अहम चीज़ है कि आप अपने अंदर विश्वास रखें। बट ऐसे शरीर में कई पार्ट्स हैं, कई हिस्से हैं, कई जगह हैं जहाँ पर आपको जोर की ज़रूरत नहीं है। आप हल्के से छू भी दें तो आदमी को काफ़ी चोट पहुँचा सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी आपसे बहुत बड़ा हो तो आप उस पर काबू नहीं कर सकते हैं। और आप तैयार हैं सीखने के लिए? तो मुझे लगता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कई पॉइंट्स हैं, जैसे कान है, आँखें हैं, नाक है, मुंह है, गला है, ग्रोइन है, और हमारे पाँव हैं, जहाँ पे अगर हम हमला करें और जोर ना लगाएं और सिर्फ उस समय दिमाग का इस्तेमाल करें तो हम चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने कोई आदमी हमला कर दे, और अगर आप लड़की हैं, कोई बात नहीं, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो हल्के, तो आपको कान पर मारने की ज़रूरत है, मारो। तो अगर आप कान पे मारेंगे, बहुत जोर से मारा इन्होंने मुझे तो अगर आप कान पे मारेंगे ना, जैसे यहाँ पे, तो बहुत जोर की मार सकते हैं। जैसे ये गला है, आप मेरा गला दबाने की कोशिश करिए, तो ये अगर आप गला भी दबाते हैं तो बहुत सेंसिटिव है। तो अगर आप जोर की दबा, आपको पता लगता है कितना सेंसिटिव है ये, तो ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, और आपने बहुत जोर की मारा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने इतनी जोर की मारा नहीं। अगर आप हल्के से भी किसी के कान पर मार दें, या हल्के से भी अगर आप नाक पर मार दें या मुँह पर मार दें, तो आदमी काफ़ी अपने जिस जगह पे वहाँ से अलग हो सकते हैं। जैसे आप इनसे पूछ सकते हैं कि कितना सेंसिटिव पार्ट है गला। अगर कोई लड़की इसको जोर की भी दबा दे तो आपको बहुत जोर की चोट लग सकती है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कहाँ कहाँ मार सकते हैं, किस, अगर आप पे कोई बहुत जोर वाला आदमी हो जाए तो उसकी आँखों के अंदर भी, जैसे आँखें बहुत सेंसिटिव चीज़ हैं, अगर आप इनको जोर की दबा दें ऐसे करके आदमी की, तो काफ़ी चोट पहुँचा सकते हैं। आपको क्या लगता है? तो मुझे लगता है कि जैसे मैं इनको बोल भी रहा था कि अगर इंसान को सिर्फ पता लग जाए कि वो पॉइंट्स क्या है, तो वो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, मैंने एक्चुअली कमांडो में जो हमारी हीरोइन है उनको काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं कमांडो के दौरान। तो जब आप पिक्चर देखेंगे आप सीखेंगे कि एक लड़की क्या क्या कर सकती है एक फाइट की सिचुएशन में। और उसके अलावा मुझे लगता है कि हर आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता है कि कभी बुला के कोई दिक्कत आती है। तो जब भी आप पे कोई ऐसी दुविधा आ रही हो तो आपको बस अपना दिमाग शांत रखना चाहिए, और जैसे मैंने बताया कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं उन पे अगर कोई आदमी जितना भी बड़ा हो उन पे हमला करे तो ठीक रहेगा। सी, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होगी थी कि कमांडो का ट्रेलर एक्सेप्ट कर लिया गया था। 20 लाख से ऊपर यूट्यूब पे हिट्स हो चुके हैं, लोगों ने 20 लाख से ऊपर लोगों ने देखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और नर्वसनेस अभी तक तो नहीं है, बट जैसे जैसे 12 अप्रैल पास आएगी तो तब पता लगेगा नर्वसनेस कितनी है। इंटरनेशनली फेमस तो मैं बहुत खुश हूँ कि सबको पसंद आया एक्शन, बट टक्कर तो किसी के साथ बनती नहीं है, क्योंकि टक्कर उसके साथ देते हैं जिसको आप कंपटीशन में होते हैं। मैं किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि हर हिंदुस्तानी को कमांडो का ट्रेलर पसंद आया। मैं बहुत खुश हूँ कि हर हिंदुस्तानी जो भी मुझे मिलता है बोलता है कि वो कमांडो देखना चाहता है। तो बस अब देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है।